हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सीजनेबल वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हमारे यहाँ साड़े कहते हैं, और फ्रेंड्स आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर ये वेजिटेबल मिलती है तो। फ्रेंड्स, ये एक सीजनेबल वेजिटेबल है और इसे बनाने के लिए मैंने ये साड़े लिए हैं, और अब मैं इन्हें बॉईल कर लूंगी। बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने लसाड़े लिए हैं इन्हें डाल दूंगी, तो और मैं इन्हें बॉईल कर लूंगी 3-4 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इन्हें निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, उबालने से ये इनमें जो चिपचिपापन होता है ना वो कम हो जाता है, और इसकी गुठली जो है वो भी आसानी से निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से इसकी गुठली निकल रही है और इसकी चिपचिपाहट जो है वो भी कम हो जाती है, हाथों में ज़्यादा नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ अगर ये वेजिटेबल मिलती है तो इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन दिया है जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुठलियाँ जो है निकाल ली हैं और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, और खड़े मसालों में मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी मेथी दाना, 2 लाल मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली हैं, और यहाँ पर मैंने 1 आम ग्रेट कर लिया है, कच्चा आम है ये, और मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, और इसमें मैं अब डाल दूंगी मेथी दाना, और मेथी दाना को चटकने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेथी दाना जो है हमारा चटकने लग गया है, तो अब मैं इसमें मैंने 2 लाल मिर्च ली थी उसे ऐड कर दूंगी, और इसके साथ ही मैं बाकी जो खड़े मसाले लिए थे मैंने वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी, और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और मैंने इसमें एक कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, मसालों को जो है वो भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरह से लसाड़े की सब्जी बनाकर जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले जो है भून गए हैं, अब मैंने इसमें जो लहसुन की लिया था उसे ऐड कर दूंगी, और साथ में मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है इसमें, इन्हें भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी। हींग ऐड करने से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, और अब ये गई 2 हरी मिर्ची जो मैंने काट ली थी, अब मैं इसमें बेसिक मसाले यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है सब्जी में। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें जो मैंने 1 कच्चा आम लिया था ग्रेट करके उसे ऐड कर दूंगी, और आम को इसमें
पका लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे पहाड़ों में तो इसी तरह से ये सब्जी बनाई जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी होती है, क्योंकि ये सीजनेबल वेजिटेबल है, तो सीजन में हमें इसे जरूर खाना चाहिए। तो आम को इसमें एक दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे इसे। और इस स्टेज में आप यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं अगर खट्टी मीठी सब्जी बनाना चाहते हैं तो, लेकिन मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें जो मैंने लसाड़े बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चीनी की जगह गुड़ का यूज भी कर सकते हैं, गुड़ से भी डालने से भी इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2-3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए सब्जी जो है हमारी पक चुकी है और मैं अब इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी लसाड़े की सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।